नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि जो हमारा जो कंडक्टर होते हैं चालकों, जो कंडक्टर या जो धातुएं होती हैं हमारी धातुओं में विद्युत का चालन कैसे होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कंडक्टर और जो हमारी मेटल होती है उनमें जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है वो कैसे होता है। तो देखिए, हमारे पास ये कोई एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। कंडक्टर में क्या होगा, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास जो मिलियंस या कितने हम कहें लाखों फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें, इसके जो कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, या जो मेटल है मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो वो इलेक्ट्रिक का फ्लो करती है। लेकिन वो कैसे होता है, देखिए यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये हमारे पास एक कंडक्टर या मेटल है या मेटल। अब क्या हुआ कि हमने इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, ये इसका पोटेंशियल, बैटरी का पोटेंशियल, हम इसको वी साइड नोट करते हैं। अब क्या हुआ कि बैटरी से लगा दिया, तो बैटरी के कारण क्या होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि चार्ज, तो यहाँ पर करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, करंट की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ, ये जो अंदर इलेक्ट्रॉन फ्री हैं उन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो क्या होता है, F=qE। यहाँ पर ये फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये चार्ज, तो जो ये इलेक्ट्रॉन है उन पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक, जो इस बैटरी के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर उन पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेंगे या मोशन करेंगे, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उन पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है, जो इस जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उनको मूव कराता है। तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, आउटसाइड का ये है, और जो इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन है हमारे पास उन पर फोर्स लग रहा है, जिसकी जो ये फ्री इलेक्ट्रॉनों को इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इनको मूव करा रहा है। तो अब देखिए आगे क्या होता है, तो जिससे जो चालक है उसमें विद्युत धारा का फ्लो होता है, तो उसके कारण क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो वहाँ पर जो हमारी करंट है वो फ्लो होगी। तो ये है इसका कारण कि आपके पास जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, कंडक्टर या मेटल है, तो इस बैटरी के कारण यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वहाँ पर एक फोर्स लगेगा उन इलेक्ट्रॉन पर जो कंडक्टर के अंदर फ्री है मोशन करने के लिए, तो वो फोर्स उन फ्री इलेक्ट्रॉनों को अपोजिट डायरेक्शन में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, तब वहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होगी। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, अगर हम जानते हैं जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है उसके अपोजिट जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो मोशन करते हैं, वो यहाँ पर हो रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखिए इसकी हम थ्योरी लिखना चाहें तो किस तरह लिख सकते हैं, लेकिन जो बेसिक था वो ये था। अब देखिए जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं वो है चालक, जो हमारा कंडक्टर होता है, चालक के
जो हमारे पास एंड होते हैं, एंड्स जो, या बात करें सीरो के बीच, बीच जब बैटरी बैटरी जोड़ी जाती है, यानी कि हमने बैटरी जोड़ दी, जो हमारा कंडक्टर था उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, जोड़ी जाती है, तो चालक, तो उसमें, तो या बात करें चालक में, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी कि जब हमने उसको बैटरी से जोड़ दिया तो उस बैटरी के कारण उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब विद्युत क्षेत्र है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड है विद्युत क्षेत्र के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्टर के अंदर है, उन पर एक फोर्स लगेगा, पर इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल लगता है, जिसके कारण, या विद्युत बल के कारण चालक, जो हमारा कंडक्टर है, चालक के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, गति करते हैं, जिसके कारण, जिसे या जिसके कारण जिसे चालक में धारा प्रवाहित होती है। तो ये है कि किस क्यों होती है। तो देखिए, हमारे पास, मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ये एक कंडक्टर है, मैंने इसको यहाँ से दोनों जो इसके सिरे हैं उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, सेल से कनेक्ट कर दिया। क्या होगा, अब क्या होगा, जो ये कंडक्टर है इसकी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, मान लीजिए ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से ये पार्ट जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, तो जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो इन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉनों पर, जो इन फ्री इलेक्ट्रॉनों को इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मेरी तरफ मूव कराएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री है उन पर फोर्स लग रहा, फोर्स लगेगा तो वो मोशन में आएंगे, मोशन में आएंगे तो वो वहाँ ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होगा। तो यही रीज़न है कि क्यों हमारे पास जो हमारा कंडक्टर होता है उसमें फ्री जो करंट फ्लो होती है। आप देख लीजिए लकड़ी है, लकड़ी में जो करंट फ्लो क्यों नहीं होती, क्योंकि लकड़ी है उसके अंदर जो करंट को फ्लो करने के लिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो वहाँ पर नहीं होते, और जो मेटल होती है वहाँ पर, उस मेटल में बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फ्री होते हैं, और जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड उन पर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उन पर फोर्स लगेगा, तो वो अपने आप को मोशन में ले जाते हैं, मोशन में लाएंगे तो वहाँ पर मोशन होगा, मोशन के कारण वहाँ पर जो हमारी इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो होगी। तो यही रीज़न है कि हमारे पास जो चालक होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और जो कुचालक होते हैं उन पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ लाइक दिस वीडियो यू देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस
press the bell icon for the latest video. Thank you for watching this video.